शहर के हाल। सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। चैनल वन, हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। कभी खेतों में गेहूं और धान बोया करता था और अब आत्महत्या का सामान बोता है। उस पर कलम चलाते हुए न जाने कितने कवियों की स्याही सूख गई, लेकिन किसान की दीन दशा को कोई खुशहाल नहीं लिख सका। कृषि प्रधान भारत देश में एक तपोनिष्ठ ऋषि की तरह बिना फल की इच्छा किए कृषि कर्म को अनवरत करता है किसान। ब्रह्म मुहूर्त में सूरज के उगने से पहले खेतों में पहुंचकर धरती के सीने पर अपने पसीने से भारत की भूख का समाधान लिखता है किसान। धूप में जब वातानुकूलित कमरों में बैठकर लोग अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तब किसान आसमान को निहारता हुआ ईश्वर से गुहार लगाता है कि हे ईश्वर, मेरी फसल बर्बाद ना हो, बिन मौसम के चलते या फिर ओलावृष्टि के चलते। लेकिन अब गरीब की न तो थानेदार सुनता है न सरकार सुनती है, तो आखिर भगवान कैसे सुन लेंगे। कर्ज से झुकी कमर, महाजन का तकादा, बैंक की नोटिस, जब कुछ नहीं कर पाते तो आत्महत्या कर लेते हैं हमारे किसान। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश बेबस किसान। जी हां, भारतवर्ष कभी ऋषि मुनियों का देश, संतों महात्माओं का देश कहा जाता था। किसी जमाने में इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत का अन्नदाता, जिसे हम किसान का नाम देते हैं, जो भारतवर्ष में धूप में, वर्षा में, सर्दी में, सभी तरह के मौसम में खुद भूखा रहकर जनता को भरपेट अनाज देता है। अन्नदाता वही किसान आज अपने इस देश में भूख प्यास से आत्महत्याएं करने को मजबूर है। किसान का इस्तेमाल सरकारें वोट लेने के लिए, नारे गढ़ने के लिए, रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए और इसके साथ साथ उन्हें भाषण सुनने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की और आए दिन हो रहे किसान आत्महत्याओं की। जी हाँ, और इसी विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमसे कई मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सूखाग्रस्त महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में दिसंबर महीने में ही 112 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। साल 2014 के मुकाबले ये संख्या दोगुनी मानी जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक साल 2015 में खुदकुशी करने वाले किसानों की यह संख्या पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा मराठवाड़ा के 8 जिलों में 1 जनवरी से अब तक तकरीबन हजारों से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे साथ संजय यादव, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, जो बिहार की पृष्ठभूमि से महाराष्ट्र पहुंचे हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष स्टूडियो में हमसे जुड़ेंगे और इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले विजुअल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से, कि किस तरीके से 2015 में आत्महत्याओं ने एक के बाद एक कर अपना नाम सुर्खियों में ला दिया। साल 2014 के मुकाबले किसानों के आत्महत्याओं की संख्या तकरीबन दोगुनी मानी जा रही है। बीते 10 साल में ये सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इसके अलावा सिर्फ दिसंबर महीने की यदि बात करें तो 112 किसानों के आत्महत्याओं की खबर निकलकर सामने आ रही है। मराठवाड़ा के 8 जिलों में, जो पूरी तरीके से सूखाग्रस्त है, वहां पर किसानों के आत्महत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
20 से 30 किसानों ने सिर्फ 15 दिनों में आत्महत्याएं की, एक महीने में 112 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, यह साल 2014 का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कुल 204 किसानों ने आत्महत्या की, और पूरे भारतवर्ष की यदि बात करें तो महाराष्ट्र राज्य सबसे ऊपर नजर आ रहा था। और इसमें किसानों के आत्महत्याओं का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी दुगने को ये पार कर चुका है। बुंदेलखंड में 109 किसानों ने खुदकुशी की साल 2014 में। तेलंगाना की बात करें, 69 किसानों ने आत्महत्याएं की है। और ग्राफिक्स के माध्यम से साल 2015 में किसानों के आत्महत्याओं का जो सबसे ज्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र से निकलकर आया वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2016 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, ओलावृष्टि के चलते, बेमौसम बरसात के चलते, साहूकार के द्वारा वसूले जा रहे उस ब्याज की रकम के चलते। 1298 किसानों ने साल 2013 में खुदकुशी की थी। इसके अलावा 1467 किसानों ने साल 2012 में आत्महत्याएं की थी। साल 2015 की यदि बात करें तो यह आंकड़ा अब 2016 को पार कर चुका है। और टीवी स्क्रीन पर एक किसान किस तरह टकटकी लगाए आसमान की तरफ निहारता हुआ, मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो। और इसी खास विषय पर बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से महाराष्ट्र में आए हमारे मेहमान राष्ट्रीय जनता दल के विधायक संजय यादव, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल भी मेरा आपसे ही है, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ती है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं? खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, टीवी न्यूज चैनल लगातार खबरें प्रसारित करता रहता है, किसान लगातार साहूकार के कर्ज के ब्याज तले या फिर ओलावृष्टि के चलते, बेमौसम बरसात के चलते, इन कारणों पर लगाम करने के लिए कोई ठोस उपाय योजना क्या केंद्र सरकार के पास नहीं है? पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को संजय यादव की तरफ से नमस्कार, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। आपने जो कहा केंद्र सरकार पता नहीं किस मुद्दे पे सोई हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसानों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का होता है जी। अगर उसको पानी सही टाइम पे दे दिया जाए जी, तो मुझे लगता है किसान की स्थिति नहीं आएगी वो जो आत्महत्या करे। और आज के डेट में तो सेंट्रल में भी मोदी जी हैं, महाराष्ट्र में भी मोदी जी हैं जी, लेकिन बिहार में नहीं, बिहार में नहीं है। और सोचने वाली बात है कि जहाँ बीजेपी की सरकार, अब मान लीजिए मोदी जी कम से कम इस चीज़ पर भी ध्यान ना दें और सिर्फ विदेश घूमने पर ध्यान दें, थोड़ा सा उनको ध्यान किसानों पर भी देना चाहिए कि किसान आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। यूपीए सबसे ज्यादा भारतवर्ष में राज कर चुका है, यूपीए का एक अभिन्न हिस्सा रहा है आरजेडी। सवाल आपसे मेरा बड़े संक्षेप में होगा कि एक बार फिर नए सूरज का उदय हुआ है बिहार की राजनीति के खेमे में, गलियारे में, लेकिन पिछले कई दशकों से एक लंबा अनुभव रहा है आरजेडी को सत्ता में साथ साथ चलने का। क्या उनके तरफ से कोई इस तरह का कोई खाका तैयार करके पेश नहीं किया गया यूपीए कार्यकाल के दौरान, जब कृषि मंत्री शरद पवार हुआ करते थे? निश्चित तौर पे हुआ होगा। और जहाँ तक रही बात इस बार जो महागठबंधन की सरकार है, जो हमारे लालू यादव जी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हैं नीतीश जी हैं, दोनों लोग का जो जोड़ी है गरीबों की, मतलब जो बिहार की जो गरीब जनता है, जो गरीब किसान है, इनकी आवाज़ बनकर के दोनों हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता, आवाज उठाते भी रहते हैं। संजय जी, बिहार भी एक बड़ा राज्य है महाराष्ट्र की तुलना में देखा जाए तो, बिहार भी अपने आप में एक बड़ा राज्य है, वहां पर भी किसानों के आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। ये सिर्फ एक मुल्क या एक राज्य की समस्या नहीं है, फर्क बस इतना है कि जब किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा खंगाला जाता है तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य का नाम आता है। बिहार की स्थिति के बारे में थोड़ा रुख स्पष्ट कीजिए। बिहार ऐसे भी आत्महत्या कम वहाँ होती है क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो किसान हमारे हैं, हर तरह से उनको पानी की सुविधा जो हमारी सरकार है, जो नीतीश सरकार जो लगातार रही और आगे भी है, तो
तो हम लोग टाइम टाइम पे जो किसानों को जरूरत होता है, जो खाद हो या उसकी पानी हो, सारा व्यवस्था वहां जाते रहता है, टाइम पे जाता है, इसलिए स्थिति कम आती है। अवनिंद्र आशुतोष आपसे जानना चाहेंगे, खास तौर पर महाराष्ट्र में इस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, बड़ी बड़ी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पार। यदि साल 2015 को देखा जाए तो इसके पहले के जो वर्ष बीते हैं उसके मुकाबले साल 2015 में दोगुना स्थिति हो गई है आत्महत्या करने की किसानों की। संजय, उसके पहले मैं एक शेर आपको सुनाना चाहूंगा कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, उसी अन्नदाता की नज़र में अगर हम पूरी व्यवस्था की बात करें, सरकार की बात करें, तो आज सरकार की जो भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि मृत्युदाता अगर कोई किरदार निभा रहा है तो सरकार निभा रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, कृषि प्रधान देश है, आज हम कह सकते हैं बिल्कुल ताल ठोक कर कि आज भारत जो है भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, प्रधान देश हो गया है। लेकिन किसानों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, राजनीति होती है, लेकिन जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति को हम कह सकते हैं कि वाकई उसका जो ग्राफ है उसमें भी बहुत कमी आई है। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई चीज देखने को मिली है, जब ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार जब स्थापित हुई महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में, तो सत्ता के दो चेहरे पहली बार देखने को मिले। एक चेहरा कहता है कि हम नहीं मानेंगे, दूसरा चेहरा कहता है कि हम करेंगे। अब स्थिति आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि मेरे कहने का अभिप्राय, मकसद, तात्पर्य क्या है। बिल्कुल, शिवसेना जहां खिलाफत करती है, भारतीय जनता पार्टी वहां मुहर लगाती है। एक साथ सत्ता में चल रहे ये दोनों पार्टियों के अलग अलग राग हैं, अलग अलग चीजें हैं। आखिर क्या निदान निकल पाएगा महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं को लेकर, क्या इस पर शिकंजा कस पाएगा, समय रहते सरकार कामयाब हो पाएगी? बहुत मुश्किल है संजय, क्योंकि गठबंधन की सरकार की अपनी एक मजबूरी होती है। जब तक कोई घर सुखी नहीं हो सकता है तो आसपास का जो पूरा माहौल है, अगर हम पड़ोसी की बात करें तो पड़ोसी तभी खुश रहता है जब एक बाजू के घर में बहुत ही खुशियां होती है, सब जो लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ जो एकता की बात होती है, एकता में हमने विखंडन महसूस किया है, और यही कारण है कि शिवसेना लगातार निशाना साधती है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है। लेकिन आपको याद होगा शरद पवार महाराष्ट्र से थे और अभी प्रधानमंत्री के बहुत खास माने जाते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के क्षत्रप कहे जाते हैं। बिल्कुल, और देश की आर्थिक राजधानी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी काफी सुलझे हुए माने जाते हैं, विदर्भ से नाता है उनका, बात कर रहा हूं मैं देवेंद्र फडणवीस की। लेकिन जब तक ये विपक्ष में थे संजय, इनकी भूमिका अलग थी। आंकड़ों में ये लगातार बहुत ही जबरदस्त मार्क्स पाते थे, इनकी तारीफ होती थी नेशनल लेवल पे। लेकिन अब चूंकि इनकी सरकार बन गई है तो सवाल उठता है कि वाकई अन्नदाताओं की तकलीफ ये समझते हैं लेकिन निदान क्यों नहीं करते, ये बड़ा प्रश्न है अपने आप। जी बिल्कुल सही कहा आपने। संजय जी, आपसे एक सवाल मेरा ये होगा कि जब किसानों के लिए, उनके हितों के लिए जब बड़ी बड़ी योजनाएं, घोषणाएं जब की जाती हैं योजनाओं की, तो उस पर अमली जामा आखिर क्यों नहीं पहनाया जा सकता समय रहते ही? क्या उतने पैसे, उतनी राहत, उतने पैकेज उन लोगों को मिल पाता है जिसके लिए ये अनाउंसमेंट किया जाता है? बात तो आपने सही कहा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से करते हैं कि हमारे जो देश के किसान हैं, 100+ करोड़ रुपया कर्ज है किसानों का, लेकिन किसानों को समझाने के लिए, अपना फेस को दिखाने के लिए उन्होंने 165 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, सिर्फ ऐड में खर्च करते हैं। क्या 120 करोड़ या 121 करोड़ किसानों का कर्ज है, क्या उससे तो आराम से माफ़ी कराया जा सकता था, लेकिन ऐड कम प्रचलित हो जाता है। और जितना ऐड में सरकार पैसा खर्चा कर रही है, सेंट्रल सरकार, पता नहीं ऐड से वो तो मजबूरी है सरकार की ना, नेताओं की मजबूरी है। खर्च की बात आई तो अवनिंद्र ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं कि किस तरीके से साल दर साल बढ़ता महाराष्ट्र का जो कर्ज है, ये शायद ही किसी को पता हो। कहने के लिए तो कई योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता यथार्थ के पटल पर यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र इस समय सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। साल 1991 में यदि बात करें तो 12,880 करोड़ रुपए का कर्ज महाराष्ट्र सरकार पर था। इसके बाद बात करें यदि साल 2001 की, तो महाराष्ट्र सरकार पर यह कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 67,600 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। वहीं साल 2011 में महाराष्ट्र सरकार का कर्जा बढ़कर 2,30,630 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और अब रिकॉर्ड तोड़ ये 2015 को एक पार कर चुका है, ये 3,52,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र सरकार पर इस समय 3,52,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि पिछली सरकार
जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, जब उससे बीजेपी और शिवसेना ने सत्ता हथियाई तो उस समय महाराष्ट्र सरकार पर भी बड़े पैमाने पर कर्ज का बोझ था और उसी कर्ज के बोझ को उतारने का दावा किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए, खिंचाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यदि पिछले कर्ज का एक रुपया भी देवेंद्र फडणवीस सरकार कम कर दे तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अवनिंद्र आशुतोष क्या कहेंगे? संजय, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आम आदमी को लगता है कि सरकार बातें करती है, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन की बात, लेकिन निदान जब तक नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो समझा जा सकता है कि वाकई सारी बातें हैं फिजूल की बातें हैं। क्योंकि किसान हर दिन हर पल मरता है और जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने शुरुआती दौर में कहा कि सूरज उगने से पहले अपने पसीने से वो सींचता है उस धरती को जहाँ से हमें अनाज मिलता है। लेकिन ये नेता क्यों भूल जाते हैं, सरकार में बैठे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वाकई किसानों की वजह से ही इस देश की, जो अगर हम रोटी और सब्जी की बात करते हैं तो किसानों की अहम भूमिका होती है, लेकिन इसमें जब राजनीति घुस जाती है तो सारी बातें घूम फिराकर किसानों के ऊपर ही आकर गिरती है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि ये जो मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि इच्छा शक्ति पर बार बार मुझे लग रहा है कि वाकई यहाँ तक पहुँचने के बाद आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल बदल जाती है। जब विपक्ष में रहते हैं, जब आप चुनाव में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है इस देश को। अजीत पवार का आपको बयान याद दिलाना चाहूंगा, जब किसानों ने बदहाली का रोना रोया था तब उन्होंने कहा था, जिस भाषा का इस्तेमाल किया था आप समझ गए होंगे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी है नेताओं के मन में। संजय जी, बतौर एक विधायक आपसे मेरा ये सवाल है, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं आप, आपको चुना गया है, यदि जनता किसी को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो उसकी इच्छा और आकांक्षा जो भी होता हो, क्या उसकी कसौटी पर वो नेता खरा उतर पाता है, बड़े संक्षेप में? नहीं, बात तो आपने सही कहा, वैसे भी जनता मेहनत करती है, धूप में खड़ा होकर के, हम जैसे लोग जब खड़ा होते हैं तो धूप में खड़ा होकर पसीना बहा करके वो वोट देती है, लेकिन थोड़ी सी हम लोग भूल जाते हैं कि उस जनता की मेहनत के बदौलत, जनता ने मेहनत किया, घर से निकल के वोट दे करके हमें एमएलए बनाता है, हमारी जिम्मेवारी बहुत काफ़ी बनती है उस जनता के प्रति, जो उसके हर प्रॉब्लम को सोचा जाए, हर प्रॉब्लम को देखा जाए। मैं लग रहा है कोशिश कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे इस बार जो लालू जी ने हम लोगों को जो टास्क दिए हुए हैं, संजय जी आप क्षेत्र में रहेंगे, एक हमसे दिलीप कांबले साहब हैं जो मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो हमसे जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। दिलीप साहब स्वागत है, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी, बोलिए शर्मा जी। देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि साल 2019 तक महाराष्ट्र को सूखा मुक्त कर देंगे। पहला सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से किसानों के आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में क्या साल 2019 में वो सपना साकार हो पाएगा? जी देखिए, ऐसा है कि 2019 तक महाराष्ट्र में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। जी, सबसे बड़ा काम इस साल हमने हाथ में लिया है कि जलयुक्त शिवार योजना जो है, जी, जो भी बारिश की एक भी बूंद अगर गिरती है तो उसको हम संभाल रहे हैं। गांव-गांव में हम जब जितने के नाले हैं, नदियां हैं, हर जगहों पे उसका खोलीकरण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको ठीक ठाक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल जितनी भी बारिश हुआ, जो 5000 गांव जो इस योजना से जुड़ गए थे, वहां पर हमने 24 TMC पानी का जतन किया है जी। तो हमें लगता है कि 2019 तक महाराष्ट्र जो आज जो 14 जिले से जो सूखाग्रस्त है, वहाँ पे अच्छा सा काम हम कर पाएंगे और 2017 तक महाराष्ट्र सूखाग्रस्त से मुक्ति हो जाएगी। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से किसान दिन पर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, कभी सांगली, कभी सतारा, कभी बीड, कभी उस्मानाबाद, कभी विदर्भ, कभी मराठवाड़ा, तमाम इलाकों से, तमाम जिलों से ये समाचार आ रहा है कि फलाना किसान ने आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर ली। सांगली की बात करें तो एक व्यक्ति ने, एक दंपत्ति ने अपने बेटे और अपनी बेटी को पहले जहर दिया, उन्हें मार दिया, उसके बाद खुद फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या ऐसे मामलों में कमी आ पाएगी, चूंकि साल 19 का एक बार फिर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं? जी, देखिए ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, फिर भी देखिए हम आपको और एक बात बताना चाहूंगा मैं। हम लोग सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर है, एमएलए है, हम अभी गांव-गांव पर जा रहे हैं और 14 जो जिले सूखाग्रस्त है,
हर गांव गांव में किसानों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो स्थानीय लेवल पे काम करते हैं, उनको भी कहा गया है कि गांव में जो भी ऐसे कुटुंब है, जो फैमिलीज है, जो सूखाग्रस्त उनसे जूझ रहे हैं, उनसे जाके बात करें, उनकी सहायता करें। और दूसरी बात, एक बड़ा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है कि कुछ मेडिकल रीजन भी है तो गांव-गांव में हम लोग तहसील में गांव में जहां भी लोग रहते हैं वहां पे एक मेडिकल कैंप बड़ा लगाएंगे, लोगों से बात करेंगे। और दूसरी और एक बात है, सोशल जस्टिस विभाग की तरफ से हम लोग तालुका में समन्वय करके नियुक्ति किए हैं, उनको भी कहा गया है कि गांव-गांव में जो लोग हैं सूखाग्रस्त इलाके जहाँ भी है, जो इस हालात से जूझ रहे हैं, उन फैमिली से जाके बात करें, उनसे मिले, उनका प्रॉब्लम समझे, उनको इस मानसिकता से थोड़ा बाहर लाने की हम कोशिश करें। मेरा एक आखिरी सवाल बतौर मंत्री आपसे एक आखिरी सवाल है दिलीप कांबले साहब जी, जिस तरीके से साहूकारों के चंगुल में फंसने के चलते तमाम किसान जो है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और साहूकारों के चंगुल से निजात दिलाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह कहा था कि फॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट एक पॉलिसी तैयार करने की उन्होंने बात कही थी, आखिर अब तक इसे तैयार क्यों नहीं किया जा सका, क्योंकि साहूकारों की तानाशाही बदस्तूर जारी है। अंतिम चरण पर है, वो कुछ दिनों के अंदर वो पॉलिसी भी हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, जाहिर कर देंगे लोगों से। ज्यादातर हमारी कोशिश अब ये है कि ज्यादा ज्यादा लोगों से मिले, लोगों से बात करें, किसानों से बात करें, उन फैमिली में जो जवान लड़के हैं लड़कियां हैं उनसे बात करें, सीनियर सिटीजन जो किसान है उनसे बात करें, ताकि ये हालात से देखिए सूखाग्रस्त पिछले 5-6 साल से बारिश कम कम होती जा रही है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ 2017 तक महाराष्ट्र सूखाग्रस्त से जो आज जूझ रहा है उससे हम मुक्ति पा लेंगे। हमारे सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष आपसे एक सवाल करना चाहते हैं दिलीप कांबले साहब। जी 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 माननीय मंत्री जी, आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि आपने जिस तरह से दावा किया था कि हर अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, वो तो ठीक है हम भूल गए, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास वाली जो बात आपने की थी, क्या वो वाकई लागू हो जाएगा? खोल लागू हो जाएगा, हम उस तरह से कदम उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम, और ये कोशिश हमारी कामयाब हो जाएगी। चलिए हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप जी, अपने जी, इस वादे की कसौटी पर खड़े जरूर उतरेंगे, आप अपना प्रयास जारी रखिए, और जनता भी यही उम्मीद करती है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है कांबले साहब कि क्या महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुक पाएगा? हम लोग कोशिश करेंगे तो ठीक होगा, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें ही कामयाब हुआ करती है। जी सर शुक्रिया, थैंक यू जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार दिलीप कांबले महाराष्ट्र के मंत्री जो अभी भी अपने उस बात पर अडिग है जो सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि साल 2019 तक महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त कर देंगे, परमानेंटली निजात दिला देंगे, लेकिन किसानों का आत्महत्या है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़े संक्षेप में अवनिंद्र, संजय मैं बहुत ही संक्षेप में संजय यादव जी से जानना चाहूंगा। संजय जी आपने एक आम लोगों के बीच रहकर अपनी एक अलग इमेज बनाई है, आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी बड़ी चुनौती होती है आम लोगों की भावनाओं को समझ पाना, उनके उस पर खरा उतर पाना। सर 10 सेकंड है आपके पास। चुनौती तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग कोशिश सब लोग करते हैं, और मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ क्योंकि जनता ने जिस तरह का सम्मान दिया हमें, और कम से कम जनता का वो सम्मान उसके लायक जो भी चाहती है, हर चीज पूरा नहीं किया जा सकता। संजय यादव साहब आपको भी जनता ने चुना है, राष्ट्रीय जनता दल के आप विधायक हैं, हमारी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। आपके राजनीतिक जीवन काल में पहली बार किसी मीडिया न्यूज चैनल के स्टूडियो में आप आए, आपने अपना साक्षात्कार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनिंद्र आशुतोष हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिन्होंने अपने राय अपने विचार रखे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसान जो है वह भूखे की मार झेल रहा है, आत्महत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनाई जा रही हैं, क्या वो समय रहते क्रियान्वित हो पाएगी, क्या किसानों के आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो थम पाएगा, इस पर सवाल अब भी बरकरार है। हमारे इस खास पेशकश बेबस किसान में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, दिन भर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।